हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मंथली कंपाइलेशन। आज की वीडियो में हम मई मंथ की सभी के सभी नेशनल न्यूज को कवर करेंगे। लगभग 30 मिनट्स में हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जिसमें हम कवर करने वाले जीआई टैग, गवर्नमेंट स्कीम, IITs और जो भी एग्रीमेंट या MOU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन की है, वो सारी बातें हमें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं PDF के बारे में। तो ये जो नेशनल न्यूज है मई मंथ की, इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं पूजा जैन CA247। ओके, पूजा जैन CA247, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो आप इजीली यहाँ से PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा मई मंथ का नेशनल कंपाइलेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले है GI टैग। केवल एक ही GI टैग है जो मई मंथ में दिया गया है, जिसका नाम है कच्छ अजराक। ये अजराक का मतलब होता है इंडिगो। इंडिगो को क्या क्या मतलब होता है? नील। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो नील की खेती के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इंडिगो, जो कि एक डाई है, ठीक है, यहां से ये शब्द आया है। तो बेसिकली कच्छ अजरक एक टेक्सटाइल क्राफ्ट है, जो कि गुजरात के कच्छ और सिंध डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दिया है। इस क्राफ्ट की शुरुआत आज से 400 साल पहले सिंध मुस्लिम्स ने की थी। क्लियर। बस एक ही प्रोडक्ट है जो हमें याद करना है मई मंथ में, जिसे GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं NFL एंड HUDCO ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ नवरत्न कंपनीज हमारे देश में कितनी हो गई है? तो 19 हो गई है। टोटल नंबर ऑफ नवरत्न कंपनीज कितनी हो गई है? 19 कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने, यहां पर आप देखेंगे NFL मतलब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस दिया है, और वही हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको HUDCO कहा जा रहा है, इसे भी नवरत्न स्टेटस दिया है। कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि IREDA मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को भी नवरत्न स्टेटस दिया था। तो IREDA हो गई 17th नंबर की, HUDCO हो गई 18th नंबर की, और NFL हो गई 19th नंबर की नवरत्न कंपनी। तो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज कितनी हो चुकी हैं? 19 कंपनी हो चुकी हैं जिनको नवरत्न कैटेगरी में शामिल किया गया है। सो NFL मतलब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 23rd of August 1974 में हुआ था। UP में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर काम करती है, और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरिया की NFL। नेक्स्ट आता है HUDCO मतलब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। इसका फॉर्मेशन 1970 में हुआ था, ठीक है, और ये बेसिकली हाउसिंग सेक्टर में फाइनेंस करने का काम करती है। डन। तो ये आपकी नवरत्न कंपनीज हो गई, टोटल नंबर ऑफ 19। आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं, वो सारी कंपनीज जो कि नवरत्न कैटेगरी में आती हैं। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भीष्म पोर्टेबल क्यूब। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट भीष्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फुल फॉर्म। तो भीष्म का क्या मतलब है? भीष्म का मतलब है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। क्या नाम है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। तो यहाँ पे आगरा में इंडियन एयरफोर्स ने एयरप्लेन से अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स को ड्रॉप करने का काम किया था। ये पोर्टेबल क्यूब्स बेसिकली पोर्टेबल हॉस्पिटल है, किसी भी नेचुरल डिजास्टर में या इमरजेंसी सिचुएशन में इनको ईजिली कैरी किया जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है फॉर मेडिकल इमरजेंसी। और एक जो क्यूब है वो लगभग 200 मरीजों को या पेशेंट्स को केयर कर सकता है, ठीक है, अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। नेक्स्ट है AEO स्टेटस मतलब ऑथोराइज्ड इकोनॉमी ऑपरेटर स्टेटस। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमारे देश का जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर है, उसको ऑथोराइज्ड इकोनॉमी ऑपरेटर स्टेटस प्रोवाइड किया है, और पहली कंपनी हमारे देश में बन गई है जिसका नाम है एशियन स्टार। एशियन स्टार एक लीडिंग डायमंड एंड डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, और ये कंट्री के पहली इंडस्ट्री बन गए हैं जिनको AEO स्टेटस दिया गया है जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये AEO मतलब ऑथोराइज्ड इकोनॉमी ऑपरेटर स्टेटस क्या होता है, आइए इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बॉडी
जिसको एईओ स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, इसका ये मतलब माना जाता है कि एक रिलायबल एंड सिक्योर ऑपरेटर है, आप इसके जरिए अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। किसी भी बॉडी को जब एईओ स्टेटस मिल जाता है तो उसको कई सारे फायदे होते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए क्लियरेंस बड़ा आसान हो जाता है और ग्लोबल मार्केट में भी लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एन एंटिटी विथ एन एईओ स्टेटस इज कंसिडर्ड अ सिक्योर ट्रेडर एंड रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर इन्हें माना जाता है। इनका क्लियरेंस टाइम कम हो जाता है, ये इंटरनेशनल जो सप्लाई चेन के पार्टनर्स हैं उनके साथ ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एईओ प्रोग्राम है ये 2011 में स्टार्ट किया गया था बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, CBIC ने इस प्रोग्राम को 2011 में स्टार्ट किया था। चलिए अब बात करते हैं गति शक्ति प्रोग्राम के बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता कि गति शक्ति को कब लॉन्च किया गया था, और उसकी कुछ इनिशियल बातें पहले हम सीख लेते हैं, फिर वापस हम अपने न्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो गति शक्ति मास्टर प्लान, ये बेसिकली हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान करने के लिए एक लॉजिस्टिक प्लान है, जिसके अंदर रेलवे ट्रैक्स, रोड, हाईवे, ब्रिज, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इसके अलावा आपके पोर्ट्स को, एयर स्ट्रिप्स को डेवलप करना है। तो ओवरऑल लॉजिस्टिक डेवलपमेंट के लिए या लॉजिस्टिक्स के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी चीज़ें गति शक्ति मास्टर प्लान के अंदर इंक्लूड है। जैसे कि मैंने कहा रोड्स बनानी है, तो आप देख सकते हैं कि रोडवे की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, रेलवे कैपेसिटी जो आपका कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है रेलवे से उसको इंक्रीज करना है 1600 टन बाय FY25। ठीक है, FY25 का क्या मतलब होता है, 2024-25 की बात हो रही है। फिर रिन्यूएबल कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है FY25 तक 225 गीगावाट। ठीक है, 225 गीगावाट हमको 2025 तक तैयार करना है। फिर हम ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, तो हमें लगभग 4,50,000 सर्किट किलोमीटर तैयार करना है, इतनी ट्रांसमिशन लाइन हमें बिछानी है। और अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन लाइन एडिशन के मामले में टॉप पर चल रहा है। फिर हमें रिमोट एरिया, रूरल एरिया, हर एक एरिया तक 4G कनेक्टिविटी पहुँचानी है। ठीक है, इसके अलावा हमें 200 नए एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स भी रेडी करने हैं। तो ये पूरा ओवरऑल आपका गति शक्ति मास्टर प्लान है। गति शक्ति मास्टर प्लान की बात करते हैं तो इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिससे हम अपने देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सकें। ठीक है, ये इसका प्रोग्राम था। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। रेलवे मिनिस्टर कुछ प्लान कर रहा है, क्या कर रहा है, तो रेलवे मिनिस्ट्री प्लान टू एक्सपांड इट्स गति शक्ति कार्गो टर्मिनल इनिशिएटिव एंड ऑफर एन एडिशनल 200 टर्मिनल टू कॉर्पोरेट एंटिटी एंड फ्रिगेट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री ने यूनियन बजट 2022-23 में कहा था कि हम 100 टर्मिनल्स रेडी करेंगे जहाँ से आप शिपमेंट कर सकते हो कार्गोस की। ठीक है, और डिफरेंट जो एंटिटीज हैं या आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो ईजिली इनको यूज कर सकते हैं, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो। इन्होंने कहा कि हमने 77 टर्मिनल ऑलरेडी ऑपरेशन में है और रिमेनिंग जो टर्मिनल है वो ऑलमोस्ट तैयार है, ऑपरेशन में आ जाएंगे। तो हम 200 और नए टर्मिनल यहाँ पे गति शक्ति प्लान के अंदर रेडी करना चाहते हैं, जिसमें हर एक टर्मिनल की जो कॉस्ट होगी वो 70 करोड़ रुपीज होगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ रुपीज आपको ओवरऑल कॉस्टिंग आएगी 200 टर्मिनल्स को रेडी करने के लिए। ये टर्मिनल कहाँ पे रेडी किए जाएंगे, तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया है इन कार्गो टर्मिनल को बिल्ड करने के लिए। और मेजर ऑपरेटर कौन होंगे, तो मेजर ऑपरेटर जैसे कि BPCL, IOCL, JSW, अडानी, रिलायंस, कॉन्कर, ये सारे के सारे आपके मेजर ऑपरेटर होंगे। ठीक है, इंडियन रेलवे ने क्या कहा है कि अभी हमारा जो फ्रिगेट ट्रैफिक है, तो अभी हमारा ट्रैफिक कितना है जो हम रेलवे से सप्लाई करते हैं वो 29% है, इसको हमें 35% करना है बाय 2030, इसलिए हमें नए टर्मिनल्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो आई थिंक ये पूरा प्लान आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट के बारे में। सो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट को कब, किसने, कहां से, क्यों लॉन्च किया, सिंपल सी बात। ठीक है, फिलहाल हम न्यूज देखते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा साइन MOU विथ MSDI, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्रीमेंट साइन हुआ है नई दिल्ली में, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के CEO डॉक्टर अनीश शाह, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस के सेक्रेटरी अतुल कुमार तिवारी जी के बीच में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है।
क्या है ये एग्रीमेंट? तो इस एग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अंडर द सशक्त नारी विकसित भारत, सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम के अंदर 11th ऑफ मार्च 2024 को इसको लॉन्च किया था नई दिल्ली में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मकसद क्या था? हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, लगभग 15,000 वीमेन्स को हमें ड्रोन की ट्रेनिंग देनी है। ड्रोन की ट्रेनिंग मतलब जैसे कि आप कैसे ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो, ड्रोन का मेंटेनेंस, ड्रोन से आप डेटा को एनालिसिस कैसे कर सकते हो, फर्टिलाइजर्स को स्प्रे कैसे कर सकते हो, तो ये सारी ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी है, जिससे हम क्रॉप की ग्रोथ भी कर सकें, क्रॉप की मॉनिटरिंग भी कर सकें। ये बेसिकली इसका एजेंडा है। तो अब ट्रेनिंग कौन देगा? तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्रीमेंट यहां पर देखा गया है। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अगेन क्वेश्चन बनता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का पर्पस क्या है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और कब इसको लॉन्च किया गया था? तो लॉन्चिंग ईयर, यही तो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, फिलहाल हम न्यूज पे बात करेंगे और फिर इन टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने 113 रोड नेटवर्क्स को सैंक्शन किया है अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। मतलब अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के जो बॉर्डर एरिया वाले विलेजेस हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा और रोड बनाई जाएंगी। 113 रोड प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसको 2022-23 से 2025-26 तक के लिए अप्रूव किया गया है। मतलब इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को रन किया जाना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का एजेंडा क्या है? हमारे जो नदन बॉर्डर है, तो हमारे बॉर्डर एरिया से जुड़े हुए जो भी विलेजेस हैं, वहां से लोग घर छोड़कर ना जाए, वहां पर भी कनेक्टिविटी हो, तो इन विलेजेस को ओवरऑल डेवलप करना, ये इसका पर्पस है। इसलिए इसे हमने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहा है। ठीक है, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसके जो टारगेट बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं, वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी लद्दाख आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान विल क्रिएटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत। फोकस एरिया क्या है? रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोवाइड करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलनेस सेंटर्स को सेटअप करना इसका एजेंडा है। ठीक, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, मतलब पीएम कुसुम स्कीम के बारे में बात हो रही है। तो आपसे यहाँ पे पहली क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि पीएम कुसुम या कुसुम का फुल फॉर्म क्या है, इस स्कीम को किसने लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा न्यूज में क्यों है, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो न्यूज में है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वाले स्टैटिक पॉइंट्स। ठीक है, तो पहली बात हम करते हैं कुसुम का फुल फॉर्म, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम पीएम कुसुम का फुल फॉर्म है और इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। डन इतनी चीजें। अब इसका टारगेट क्या था? तो इसका टारगेट था आपके जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के फार्म में 2 मेगावाट के छोटे छोटे से सोलर प्लांट्स को सेटअप करना। इन सोलर प्लांट से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल सोलर पंप को ऑपरेट करने में किया जाएगा और सोलर पंप का इस्तेमाल इरिगेशन में किया जाएगा। जो सरप्लस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको बेच सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका टारगेट है, क्योंकि जो आपकी ग्रिड होती है, जहां पर कोई पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो ग्रिड पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपके हर एक फार्म में हर एक फार्मर क्या करता है, इरिगेशन के लिए पंप का इस्तेमाल करता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लगती है। तो ग्रिड पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करके रिन्यूएबल एनर्जी के डायरेक्शन में काम करने के लिए पीएम कुसुम स्कीम को लॉन्च किया गया था। रिसेंटली न्यूज में क्यों है? कोई भी फार्मर है जिसको अपने खेत में इस सोलर प्लांट को और सोलर पंप को इंस्टॉल करना है, तो आपको इनके एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्जी बाड़ा तो होता ही है। ठीक है, ऐसा अभी सुन रहे हैं कि नीट के एग्जाम में भी कुछ तो भी हो गया है। चलो जो भी है, यहाँ पे बेसिकली जो आपके एप्लीकेशन से वेबसाइट है, कई सारे फेक वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें फार्मर जब जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन फीस की डिमांड करते हैं फॉर इंस्टॉलिंग सोलर वाटर पंप। ठीक है, तो जो कि गलत है, इसलिए यहाँ पे एडवाइजरी जारी की है। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं।
इस स्कीम का टारगेट है 2026 तक हमें 34,800 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, जिसके लिए बजट क्या रखा है 34,422 करोड़ रुपीस का बजट देखने को मिल जाएगा। मिनिस्ट्री मैंने बता दी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसकी मिनिस्ट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिशियली डिसॉल्व फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। यहाँ पर देखेंगे आप एक बोर्ड था जिसका नाम था फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, जो कि वर्क करता था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जो भी आपके न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलते हैं जैसे कि मिड डे मील स्कीम है या दूसरे प्रोग्राम है, तो उनके लिए एक टेक्निकल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम फूड एंड न्यूट्रिशनल बॉडी करता था, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में था। ठीक है, और इसके कई आपको रीजनल ऑफिस भी देखने को मिलेंगे, कितने 4 आपके मुंबई में, फरीदाबाद, कोलकाता और चेन्नई में, जो कि क्वालिटी कंट्रोल करने का काम, न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करने का काम करता था। और इस बॉडी को डिसॉल्व कर दिया है, बंद कर दिया है। इसके जो इम्प्लॉयज थे लगभग 140 इम्प्लॉयज जो इसमें काम करते थे, उनको या तो दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर उन्होंने प्री मैच्योर या अर्ली आप कह सकते हो रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, डन। अब यहाँ पे जो बोर्ड थी इसका फॉर्मेशन 1993 में किया गया था। ठीक है, मतलब ये एक सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड थी जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर काम करती थी, बाद में हमने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया था 1993 में। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे इंडियन ऑयल क्या कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है। कितना? 5,215 करोड़ रुपीस फॉर 1 गीगावाट कैपेसिटी। तो 1 गीगावाट इन्हें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर हाइब्रिड एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, मतलब ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी इनको प्रोड्यूस करनी है। इसलिए इन्होंने 5,215 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने की बात की और 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। इंडियन ऑयल को क्या जरूरत है रिन्यूएबल एनर्जी की, क्योंकि इनको 10,000 चार्जिंग स्टेशन को रेडी करना है। ठीक है, 10,000 ईवी चार्जिंग फैसिलिटीज को रेडी करना, और इनका टारगेट है कि 2046 तक ये अपने सेक्टर में नेट कार्बन एमिशन को जीरो कर लेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में जिसका नाम है कैग, कॉम्प्टोरल एंड ऑडिटर जनरल। कैग एंड नेपाल ऑडिटर जनरल साइन MOU टू इन्हांस कॉपरेशन इन द ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग के सेक्टर में साझेदारी को बढ़ाने के लिए बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन हुआ है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि हमारे देश के कैग है, और तोयाम राया जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ नेपाल है। इनके बीच में, दोनों इंस्टीट्यूट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है टू इन्हांस कोलैबोरेशन बिटवीन द टू सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट एंड द एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट है। अब हमें पूछा क्या जाएगा आपसे, या तो पूछ सकता है कि हमारे देश के कैग ने किस देश के ऑडिटर जनरल के साथ एग्रीमेंट साइन किया है टू इन्हांस द ऑडिटिंग या एक्सचेंज ऑफ द एक्सपर्टीज, तो आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैग को अपॉइंट कौन करता है, कैग का टेन्योर क्या होता है, कैग किस आर्टिकल में है, कैग की पावर किस आर्टिकल में है, ये क्वेश्चन अगली बार बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बाबा साहब अंबेडकर जी ने कैग को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, कैग का मतलब कॉम्प्टोरर एंड ऑडिटर जनरल होता है, जो कि गार्जियन होता है पब्लिक फंड का। गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंस होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, उनकी ऑडिटिंग करने का काम कैग करता है। और कैग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 148 में मिल जाएगी। कैग की जो भी पावर है, जो भी शक्तियां हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 149 में मिल जाएगी। कैग को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रपति के पास होती है, तो राष्ट्रपति कैग को अपॉइंट करता है। कैग का टेन्योर 6 ईयर या 65 ईयर्स होता है, जो भी पहले हो जाए, 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए, और कभी भी किसी भी वक्त ये राष्ट्रपति को इस्तीफा भी दे सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंडियाज बिगेस्ट स्किल कॉम्पिटिशन 2024। तो ये दिल्ली में, नई दिल्ली में इसको आयोजन किया गया। तो श्री अतुल कुमार तिवारी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनॉग्रेटेड द इंडिया स्किल कॉम्पिटिशन 2024, द कंट्री बिगेस्ट स्किल कॉम्पिटिशन है ये। ठीक है, जिसमें 61 अलग अलग एक्टिविटी स्किल सेक्टर में जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और हर 2 साल में, 2 ईयर्स में बेसिकली ये कॉम्पिटिशन होता है। कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है।
ठीक है, अब यहाँ पे 61 स्किल्स में अलग अलग स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग है, कारपेंटिंग है, पेंटिंग है, कोई भी कैटेगरी हो सकती है। और इसके जो भी विजेता रहेंगे, जो भी विनर्स रहेंगे, वो वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन भी 2 साल में एक बार होता है। कहाँ पर होगा? फ्रांस में होगा, सेप्टेम्बर में। ठीक है, नेक्स्ट है रन फॉर सन मैराथन। यहां पर आप देखेंगे रिसेंटली हमने 3 मई को इंटरनेशनल संडे सेलिब्रेट किया था। तो 3 मई को क्या था? इंटरनेशनल संडे था। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रन फॉर सन मैराथन को ऑर्गेनाइज किया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया था और कहां पर ऑर्गेनाइज किया था ये आपको देखना है। डन इतनी चीजें। अब इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में पहली बार 2018 में इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था, 3 मई आपका इंटरनेशनल संडे। ओके, नेक्स्ट है प्रेरणा प्रोग्राम। अगेन वही क्वेश्चन है कि प्रेरणा प्रोग्राम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कब लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, यही तो पूछेगा। देख लेते हैं, प्रेरणा प्रोग्राम रिसेंटली सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी वर्चुअली एड्रेस द फर्स्ट एलुमनाई मीटिंग ऑफ द प्रेरणा प्रोग्राम। तो पहले जो बैच था प्रेरणा प्रोग्राम के, उसके जो स्टूडेंट्स थे ना, उनकी एक ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हुई इनको इनकरेज करने के लिए, इन्होंने जो भी सीखा है उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। प्रेरणा क्या है? तो प्रेरणा एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। कौन से स्टूडेंट? जो कि रेसिडेंशियल प्रोग्राम के पार्ट है, मतलब ऐसे स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं जिनमें रेसिडेंशियल फैसिलिटी होती है, जैसे कि केवी वगैरह जो आपके विद्यालय होते हैं, तो वहां से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और उनको सिलेक्ट करने के बाद इनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो प्रेरणा स्टार्टेड इन द पायलट फेज फ्रॉम द जनवरी टू फरवरी 2024 इन द वर्नाकुलर स्कूल एट द वडनगर गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे अभी 6वां बैच स्टार्ट हो चुका है। ये पहले बैच की मीटिंग आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे 6th नंबर का बैच ऑलरेडी काम कर रहा है 15th अप्रैल से। इसे लॉन्च डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। हर एक बैच में 20 स्टूडेंट होते हैं, 10 बॉयज होते हैं, 10 गर्ल्स होते हैं। और यहाँ पे एवरी वीक हमारे देश के अलग अलग स्कूल से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और उनको इनोवेशन और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रगति। तो यहाँ पे प्रगति का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, पहली बात। ठीक है, तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस टू लॉन्च प्रगति 2024। तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस ने प्रगति को लॉन्च किया है। प्रगति का मतलब क्या है? फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। ठीक है, फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन प्रगति का फुल फॉर्म है और इसको नई दिल्ली में होस्ट किया गया। अभी प्रोग्राम क्या है? तो जो भी टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं या स्कॉलर्स हैं जो आयुर्वेदा के डायरेक्शन में रिसर्च करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बेसिकली एक स्कॉलर प्रोग्राम आपको ये देखने को मिलेगा। तो उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर काम करता है और आयुष का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आयुष का फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, इसका पूरा नाम आपको मिल जाएगा। आयुष का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं, इंडिया का पहला रिसर्च फैसिलिटी कहाँ पे सेटअप की जा रही है? नॉर्वेस्टर की स्टडी के लिए, तो भुवनेश्वर से कुछ दूरी पर, मतलब उड़ीसा में इसको सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, A research test based facility has been proposed to help meteorologists to deploy drone, mobile vans and high-end instrument to track the Norwester or the Kal Vaisakhi. वेस्ट बंगाल उड़ीसा का जो एरिया है वहाँ पे जो गर्मी के समय में जो सीजनल विंड चलती है, बहुत तेज आंधी चलती है, उसको नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहा जाता है। अलग अलग एरिया में इन गर्म हवाओं को जो गर्मी के समय में चलती है अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि उत्तर भारत में हम बोलते हैं ना, घर से बाहर मत जाओ लू लग जाएगी, तो हमारे यहाँ पे इसे लू कहते हैं। तो अभी जो नॉर्वेस्टर है ये कैसे जनरेट होती है, कैसे प्रोग्रेस करती है, ग्रो करती है, तो इसके बारे में स्टडी करने के लिए, और जब आपको इसके ग्रो के बारे में पता चल जाएगा तो आप इजीली यहाँ पे हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स को डिप्लॉय कर सकते हो, मोबाइल वैन को डिप्लॉय कर सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस नॉर्वेस्टर रिसर्च फैसिलिटी को सेटअप किया जा रहा है। कहाँ पर? आप देखेंगे भारदक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में।
डन। कौन डेवलप कर रहा है इसको? तो इसे डेवलप किया जा रहा है बाय द IMD, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी मतलब IITM पुणे, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग दिल्ली। ज्वाइंटली इस फैसिलिटी को सेटअप कर रहे हैं। 2026 तक ये फैसिलिटी तैयार हो जाएगी और वर्क करेगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। डन इतनी चीजें। चलो ये नॉर्वेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप बिल्कुल इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे संचार साथी इनिशिएटिव। तो पहला क्वेश्चन, संचार साथी इनिशिएटिव को कब लॉन्च किया गया था, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था और क्या इसका पर्पस है? तीन क्वेश्चन अगेन यहां से फ्रेम होते हैं। ठीक, तो पहले हम संचार साथी पोर्टल के बारे में देख लेते हैं, फिर बाद में हम अपने न्यूज पर डिस्कशन करेंगे। तो संचार साथी इनिशिएटिव हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, अश्विनी वैष्णव ने उसको लॉन्च किया था 16 मई 2023 को नई दिल्ली से। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर संचार साथी इनिशिएटिव काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको डेवलप किया था। इसका मकसद क्या है? लोगों में अवेयरनेस दिलाना कि किस तरीके से ये जो फ्रॉड हो रहे हैं मार्केट में, आप उनसे बच सकते हो। ठीक है, तो फ्रॉड को कम करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस दिलाने के लिए संचार साथी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। अभी न्यूज में क्यों है? तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा मोबाइल फोन में कई बार कुछ इस तरीके के मैसेजेस पॉपअप होते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट क्रेडिट हुआ है, कुछ अमाउंट डेबिट हुआ है, या फिर लॉटरी से रिगार्डिंग, या आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे कॉल भी आते हैं, ऐसे मैसेजेस भी आते हैं। तो ऐसे 8 आपके मैसेज हेड को रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ने ब्लॉक किया है जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पूरी न्यूज आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट शिप अराइव्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इतनी बड़ी कंटेनर शिप भारत में आई है जिसकी टोटल लेंथ 400 मीटर की है, जो लगभग हमारे फुटबॉल ग्राउंड के साइज का है। कहाँ पर अराइव हुई है? तो अडानी ग्रुप के मुंद्रा पोर्ट में, अडानी ग्रुप के मुंद्रा पोर्ट में ये अराइव हुई है। सो अडानी ग्रुप मुंद्रा पोर्ट रिसेंटली सॉ द लार्जेस्ट एवर कंटेनर शिप टू डॉक एट इंडियन पोर्ट When the almost 400 meter long MSC Anna came visiting. यहाँ पे ये इसका नाम है MSC Anna, ये जो आपकी शिप दिख रही है। अभी जो मुंद्रा पोर्ट है ये अडानी ग्रुप का है, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है एंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है इंडिया का। ऑल वेदर कनेक्टिविटी पोर्ट है। इसके अलावा ये गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छता पखवाड़ा। क्वेश्चन सुन लेते हैं पहले। स्वच्छता पखवाड़ा इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया? स्वच्छ भारत मिशन को कब लॉन्च किया गया? ये दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। फिलहाल हम न्यूज देखते हैं, फिर सारी बातों को डिस्कस करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको हम एम डोनर के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक स्टेप लिया है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में स्वच्छता पखवाड़ा को शुरू किया था। तो स्वच्छता पखवाड़ा 16 मई से 31 मई के बीच में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चला। स्वच्छता पखवाड़ा का जो पर्पस है या जो एम है वो क्या है आपका? स्वच्छता मतलब हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पे साथ में काम करे और साथ में काम करने के साथ आपके स्वच्छता पे ध्यान दे। ठीक है, क्लीननेस पे ध्यान दे। तो स्वच्छता पखवाड़ा इज एन इनिशिएटिव लॉन्च इन द अप्रैल 2016 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। इसको लॉन्च किया गया था जिसमें सारे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री साथ में मिलके यहाँ पे काम करते हैं और अपनी लाइव फोटोग्राफ्स को एप्लीकेशन पे अपलोड करने का काम करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें। स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन दो होते हैं, एक अर्बन और एक रूलर। तो हम इसको स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन रूलर के नाम से जानते हैं। अर्बन जो मिशन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट रूल करता है, मतलब नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और जो स्वच्छ भारत मिशन रूलर है ये, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो याद रखना है दो अलग अलग इसके कंपोनेंट है, दोनों की मिनिस्ट्री भी अलग अलग है। ओके, 2014 में से लॉन्च किया था। नेक्स्ट है निधि एंड स्टार प्रोग्राम। यहाँ पे हमने कुछ दिन पहले वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे सेलिब्रेट किया था और उसी दिन सी डॉट मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर काम करता है, इन्होंने दो नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया। पहला है निधि और दूसरा है स्टार प्रोग्राम। तो निधि प्रोग्राम क्या है? निधि प्रोग्राम वीमेंस के लिए है, महिलाओं के लिए है। कोई भी ऐसी वीमेन जो कि साइंस टेक
या इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करती है और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में रिसर्च करना चाहती है, इनोवेशन करना चाहती है, या कोई नया बिजनेस आइडिया है या कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहती है, तो उनको ये प्रमोट करेगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, 10 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि महिलाओं के द्वारा रन हो रहे हैं, और उसका सिलेक्शन कौन करेगा, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जो भी स्टार्टअप सिलेक्ट किए गए हैं उनको इनिशियली 10 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा। जो सी डॉट की बेल फर्निश्ड लैब है वो 6 मंथ तक यूज करने की परमिशन मिल जाएगी। सी डॉट के जो रिसर्चर्स हैं वो इनको मेंटोर करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ये इसका फायदा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार प्रोग्राम। सो स्टार प्रोग्राम क्या कहता है देख लेते हैं। टू सपोर्ट एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, ये रिसर्च वर्क को सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी की फील्ड में। इसमें बेसिकली जो PhD स्कॉलर है, कौन से स्कॉलर, 20 बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के एज पर द NIRF डेटा। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर टॉप 20 जो इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं उनके जो PhD स्कॉलर्स हैं उनके लिए ये स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें जो PhD स्कॉलर है जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में, उनको 6 लाख रुपीज पर एनम स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 4 सालों तक, 4 ईयर्स के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, मेंटोरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, लैब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। डन। नेक्स्ट है PM वानी स्कीम। अगेन सेम क्वेश्चन, PM वानी का फुल फॉर्म क्या है, किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है और इसे कब लॉन्च किया गया। So, सबसे पहले PM वाणी का क्या मतलब है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये PM वाणी स्कीम होती है। अभी रिसेंटली न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि 2 लाख हॉटस्पॉट या वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा चुकी है अंडर दिस स्कीम। तो 2 लाख पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट को क्रिएट किया जा चुका है इन द रूरल एरिया। PM वाणी स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, दिसंबर 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। एजेंडा क्या है, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड हाई कनेक्टिविटी इंटरनेट टू द पब्लिक इन द रूरल एरिया एंड द रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। तो हर एक गांव तक, रिमोट एरिया तक अफोर्डेबल रेट में और हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचे, इसलिए PM वाणी स्कीम को लॉन्च किया गया था। क्योंकि जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया तभी होगा जब सबके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे रूरल एरिया में एक एरिया को क्या किया जाता है, पब्लिक हॉटस्पॉट बनाया जाता है। आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं, आप सर्च करते हो, नियर बाय वाईफाई दिखता है, आप उसमें रिक्वेस्ट डालते हो, एक्सेप्ट करते हो, इनिशियली थोड़ा सा पेमेंट करना होता है और आप बिल्कुल हाई स्पीड इंटरनेट को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव 10,300 करोड़ रुपीज फॉर इंडिया AI मिशन। तो आने वाले 5 सालों के लिए इंडिया AI मिशन में कैबिनेट ने 10,300 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने की बात की है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, हमारे देश में AI कंप्यूटिंग कैपेसिटी को बिल्ड किया जाएगा, 10,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप किया जाएगा। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट उद्भव। अगेन प्रोजेक्ट उद्भव का पर्पस क्या है, इसे कब लॉन्च किया गया और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। ठीक, 3 क्वेश्चन अगेन बन गए। सो प्रोजेक्ट उद्भव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने वाला एक प्रोजेक्ट है जिसको राजनाथ सिंह जी ने 2023 अक्टूबर 2023 में इसको लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, एक ब्रिज है, और ये ब्रिज क्या करता है, हमारे जो एंशियंट मिलिट्री वॉरफेयर टैक्टिक्स थी उनको आज के समय की मॉडर्न टैक्टिक्स के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि पहला यहाँ पे सेमिनार रन हुआ था नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट उद्भव, अ सेमिनार कम एग्जीबिशन ऑन हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर वॉज हेल्ड एट नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली, इसलिए आपको ये न्यूज में देखने को मिला। डन। नेक्स्ट है फसई। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉर्न अगेंस्ट यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड फॉर फ्रूट रिपिंग। फलों को पकाने के लिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फसई ने यहाँ पे वार्निंग इशू की है क्योंकि ये हेल्थ के लिए सही नहीं है। कैल्शियम कार्बाइड से ही हम एथिलीन गैस को प्रोड्यूस करते हैं और एथिलीन गैस का इस्तेमाल या एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल फलों को पकाने में किया जाता है। डन। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग विच इज वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इन्होंने रिसेंटली UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, एग्रीमेंट ऑन
डिजिटलाइजेशन ऑफ एनिमल वैक्सीन कोल्ड चैन मैनेजमेंट, यहाँ पे हमारा टारगेट है कि जूनेटिक जो डिसीज है, जो बीमारियां जानवरों से इंसानों तक पहुंचती हैं, उन बीमारियों की रोकथाम करनी है। ऐसी बीमारियों की रोकथाम करने के लिए हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन करना पड़ेगा, जो भी हमारे कैटल्स हैं उनको हमें वैक्सीन देनी होगी, और वैक्सीन के लिए हमें कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप वैक्सीन को 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पर ही रख सकते हो। तो उस कोल्ड चेन मैनेजमेंट करने के लिए हमने यूएनडीपी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट द यूएनडीपी, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इजराइल एम्बेसी लीड्स दिल्ली एनसीआर मिलियन मियाबाकी मिशन। सो मियाबाकी जो टेक्निक है, इसको एक जापान के बॉटनिस्ट जिनका नाम है अकीरा मियाबाकी, इन्होंने 1980 में डेवलप किया था। इसमें बहुत ही कम एरिया में आप डेंस फॉरेस्ट को कम समय में ग्रो कर सकते हो। दैट हेल्प ग्रो फुली ग्राउंड डेंस फॉरेस्ट इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 2 सालों में। तो आपके जो अर्बन एरिया के लिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज अर्बन एरिया में एरिया भी कम होता है और टाइम भी कम होता है, तो कम समय में आप एक अच्छा फॉरेस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द मियाबाकी मिशन। तो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का टारगेट है कि 1 मिलियन यहाँ पर हमें फॉरेस्टेशन करना है, ठीक है, और हमें 600 से ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के, मतलब सॉरी 30 से ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के प्लांटेशन यहाँ पे करने हैं, और हमें एक मियाबाकी फॉरेस्ट को रेडी करना है। तो इस मिशन को लीड कौन कर रहा है? इजराइल की एम्बेसी कर रही है, जो कि इंडिया में है, ठीक है। नेक्स्ट है NHPC लिमिटेड टू कोलोबरेट विद नॉर्वेजियन कंपनी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो हमारे देश में फ्लोटिंग सोलर एनर्जी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए NHPC लिमिटेड नॉर्वे की कंपनी के साथ कोलेब्रेशन कर रही है, ठीक है, जिसका नाम है ओशियन सन। कंपनी का नाम क्या है? ओशियन सन। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप कोलैबोरेट टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क। तो इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क डेवलप किया गया है पुणे में, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप ने रेडी किया है, ओके। नेक्स्ट है IIT पटना अवॉर्डेड पेटेंट फॉर इट्स कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर। तो IIT पटना के जो स्टूडेंट है, उन्होंने एक पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इन्वर्टर बनाया है और उसका पेटेंट भी कराया है। एक लाइट वेट इन्वर्टर है और पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है ये, और यहाँ पे जो कॉपीराइट इनको मिला है वो 20 सालों के लिए मिला है, 20 इयर्स के लिए, ठीक। नेक्स्ट है IIT मद्रास स्टार्टअप माइंड ग्रोव लॉन्च फर्स्ट इंडिया मेड माइक्रो कंट्रोलर चिप। तो इंडिया की पहली मेड इन इंडिया माइक्रो कंट्रोलर चिप को डिजाइन किया है। किसने किया है? माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी ने, जो कि IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है। डन। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। IIT बॉम्बे और TCS ने मिलकर इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर डिजाइन किया है, जो कि सिमिलर टू MRI काम करता है। इसका इस्तेमाल हम सेमीकंडक्टर चिप को एक्सेस करने में करेंगे। बेसिकली इसका मकसद क्या? एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करना, जिससे जो सेमीकंडक्टर चिप है उनको रिमूव किया बिना या उनको डैमेज किया बिना उनकी प्रॉपरली मैपिंग की जा सकती है। और आने वाले 2 सालों तक IIT बॉम्बे और TCS साथ में मिलकर काम करेंगे इस पर्टिकुलर इमेजर पे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ 100 octane प्रीमियम फ्यूल XP100 टू द श्रीलंका। अब ये हाई क्वालिटी फ्यूल है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसकी जो ऑक्टेन वैल्यू है वो 100 है, इसलिए इस फ्यूल का नाम है XP100, ठीक है, जिसकी कह सकते हैं एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी के साथ और एक इनहांस इंजन परफॉर्मेंस के साथ इसको रेडी किया गया है। पहला कंसाइनमेंट श्रीलंका भेजा गया है। कहाँ से शिपमेंट हुई है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मतलब JNPT मुंबई से शिपमेंट की गई है। नेक्स्ट है फिशर मेडिकल वेंचर मेक्स इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस MRI सिस्टम। भारत का पहला इंडिजीनियसली MRI सिस्टम चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है फिशर मेडिकल वेंचर, उनके द्वारा इसे तैयार किया गया है। और तैयार करने के लिए जो इन्हें प्रोडक्शन फैसिलिटी यूज की है वो आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन विशाखापत्तनम की प्रोडक्शन फैसिलिटी का इस्तेमाल करके इस MRI मशीन को डिजाइन किया है। नेक्स्ट है रिलायंस।
रिलायंस इंडस्ट्री टू बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑन इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नियर चेन्नई। तो चेन्नई के नजदीक लगभग 1424 करोड़ रुपीस की कॉस्टिंग के साथ 184 एकर के लैंड पे इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अंबानी ग्रुप ये रिलायंस इंडस्ट्री तैयार कर रही है। कहां पर? तिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट में। इससे क्या होगा? इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी, शॉर्टिंग रिपैकेजिंग करने की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बजाज ऑटो टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी बाइक नेक्स्ट क्वार्टर। यहाँ पे वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक बजाज ऑटो लॉन्च करेगा, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। और इसे फेज मैनर पे लॉन्च किया जाएगा, पहले इसे महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद फिर अदर स्टेट्स में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बजाज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज है, 1945 में फॉर्मेशन हुआ था, महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन एक्शन अगेंस्ट यूज इन द डेयरी कॉलोनीज। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि यहाँ पे जो आप लगातार ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं डेयरीज में, वो आपको नहीं करना है, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है कि इससे जानवरों को खतरा होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज अ लव हॉर्मोन, ठीक है। इसका इस्तेमाल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ किया जाता है, जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनको इस हॉर्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसे बर्थ हॉर्मोन भी कहा जाता है, ठीक। बाकी आप सारी बातें पढ़ सकते हैं अबाउट द ऑक्सीटोसिन, जितनी बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है बीआरओ टू स्टार्ट वर्क ऑन द सिनकुला टनल। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सिनकुला टनल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। ये जो सिनकुला टनल है ये हिमाचल और लद्दाख को कनेक्ट करती है, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, हिमाचल और लद्दाख को कनेक्ट करने का काम करती है। लगभग 16,580 फीट की हाइट पर आपको ये टनल देखने को मिलेगी, जो कि हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति वैली को आपका लद्दाख की जास्कर वैली के साथ कनेक्ट करती है। और ये आपका नीमू पादमा दारचा, ये नीमू दिख रहा है, पादमा दिख रहा है और दारचा, ये रोड कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करती है, वो भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ठीक है। इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द लद्दाख एंड दिस विल बी द शॉर्टेस्ट रूट टू द बॉर्डर एरिया ऑफ लद्दाख। और बी आर ओ इसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है। बी आर ओ का फॉर्मेशन 7th of May 1960 को हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है साउथ इंडिया के, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, जैसे कि भोरघाट, थालघाट, पालघाट और सेनकोट्टा पास, ठीक है। किससे किसको कनेक्ट करते हैं, जिसमें भोरघाट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बॉम्बे और पुणे को कनेक्ट करता है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं साइक्लोन रेमल के बारे में। रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट हुआ था, जिसका नाम था साइक्लोन रेमल। और रेमल नाम किसने रखा था? ओमान ने रखा था, जिसका अरेबिक भाषा में मतलब होता है सैंड, ठीक है। जिसने यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में हमारे वेस्ट बंगाल को हिट किया और यहाँ पे काफी हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिला, डन। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में। पहला क्वेश्चन है हु लॉन्च द मेडिटेक स्टैकथॉन 2024। नाम से समझ में आ रहा है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही कोई हैकथॉन हुआ होगा, बिल्कुल सही बात है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने इसको आयोजित किया था। सिनकुला टनल कहाँ पर लोकेटेड है और किन दो रीजन्स को कनेक्ट करती है? तो ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करेगी, मतलब लाहौल वैली को जास्कर वैली से कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट है इंडिया स्किल कंपटीशन 2024, द कंट्रीज बिगेस्ट स्किलिंग प्रोग्राम रिसेंटली स्टार्टेड इन विच प्लेस? तो आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ऑपरेटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। इन्होंने अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर 1000 स्काइप आईडीज को ब्लॉक किया है, जो कि साइबर क्राइम में इन्वॉल्व्ड है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली प्रेजेंटेड अ रिसर्च रिपोर्ट ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट इन नॉर्थ इंडिया? तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी? IIT जोधपुर ने की थी, ऑप्शन सी। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आई होप आपको सारी न्यूज क्लियर हो गई होंगी, बड़ी आसान सी थी लेकिन सारी इंपॉर्टेंट थी। मैंने क्वेश्चन भी बता दिए कैसे क्वेश्चन नेशनल न्यूज से जनरली बनते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंपाइलेशन में। टेक केयर एंड जाते जाते प्लीज लिंक को शेयर करके जाएंगे, एंड बाय बाय।